Hello everybody. I'm Dr. Paru Soni and I work at Complete Eye Care and Shroff Eye Center. And we are celebrating the World Sight Day on 12th of October, मैं कुछ चीज़ें बताना चाहूँगी आई के हिसाब से जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट बीमारियाँ जिनके बारे में आप सबको पता होना चाहिए. बिकॉज वॉट आई फील एज एन आई स्पेशलिस्ट दैट आईज आर द मोस्ट प्रेशियस गिफ्ट ऑफ द गॉड. सो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपनी आंखों का बहुत ध्यान रखें और आंखों की जांच रेगुलर कराते रहें. तो कुछ इम्पॉर्टेंट डिजीजेज जिनके बारे में मैं बताना चाहती हूँ आर कैटरैक्ट, ग्लॉकोमा, एक बीमारी होती है जिसको हम बोलते हैं एज रिलेटेड मैक्युलर डिजेनरेशन, कुछ रिफ्रैक्टिव एरर्स जैसे कि हम चश्मा वगैरह लगाते हैं, और डायबिटीज से रिलेटेड आँख की प्रॉब्लम्स. Now, first of all, we should know that India में लगभग 1/3 of blindness है world की. So, almost करीब 80% of the blindness in India is preventable and most of it is caused by cataract. So, cataract एक बीमारी है जिसका हम इलाज कर सकते हैं और इलाज के द्वारा cataract को आप treat कर सकते हो. Now, what happens in cataract? Cataract एक age-related problem है जिसमें जो आँख का lens होता है, normally आँख का lens एक transparent structure है और आंख का लेंस जब हेजी हो जाता है तो उसको हम कैटरैक्ट बोलते हैं. इसमें क्या होता है, आपको दिखाई देना बंद हो जाता है. बट कैटरैक्ट एक रिवर्सिबल बीमारी है, सिंपल सा इलाज है. इसके लिए हम ऑपरेशन करते हैं, दो छोटे छोटे से एंट्री बनाते हैं आंख के अंदर और जो टेक्निक है उसको हम कहते हैं फेको इमल्सिफिकेशन. सो वॉट वी डू, आंख में कट्स बनाए, आंख के अंदर गए, ये जो कैटरेक्टस लेंस है इसको निकाल दिया बाहर और आंख के अंदर एक फोल्डेबल लेंस डाल देते हैं तो आपका विजन बढ़िया से रिस्टोर हो जाता है. नाउ द सेकेंड इम्पॉर्टेंट डिजीज जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी वो है ग्लॉकोमा. ग्लॉकोमा को हिंदी में हम काला मोतिया कहते हैं, कैटरेक्ट को हम कहते हैं सफेद मोतिया और ग्लॉकोमा को हम कहते हैं काला मोतिया. नाउ ग्लॉकोमा एक ब्लाइंडिंग डिजीज है और इससे आपकी आंखों की रोशनी हमेशा के लिए जा सकती है. ग्लॉकोमा के बारे में आप सबका जानना बहुत ज्यादा जरूरी है बिकॉज ग्लॉकोमा की जो ब्लाइंडनेस है वो इररिवर्सिबल है. मतलब एक बार आपकी आंख की रोशनी चली गई तो हम कुछ भी कर लें वो रोशनी वापस नहीं आ सकती. आई एम अ ग्लॉकोमा स्पेशलिस्ट एंड आई एम स्पेशल इंटरेस्ट फॉर ग्लॉकोमा. तो मैं आपको ग्लॉकोमा के बारे में कुछ स्पेशल चीजें बताना चाहूंगी कि ग्लॉकोमा जो बीमारी है उसमें आंखों के अंदर का प्रेशर बढ़ जाता है जिससे वो आंखों की जो नस होती है आंखों की नस को डैमेज करता है ग्लॉकोमा और आपकी आंखें ब्लाइंड हो जाती हैं. तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ग्लॉकोमा में कि आपकी आंखों का प्रेशर बढ़ गया, आंखों की प्रेशर की वजह से आंख की नर्व डैमेज हो गई जिसकी वजह से आंखों की रोशनी चली गई. अब ये क्यों होता है, क्योंकि आंखों में यूजुअली आंख पानी से भरी होती है तो नॉर्मली जो पानी है वो अंदर आता रहता है नलके की तरह और कुछ ड्रेनिंग पाइप्स होते हैं जिससे पानी ड्रेन हो जाता है. तो नॉर्मली आंखों में जितना पानी आ रहा है उतना ड्रेन हो जाता है तो आंखों का प्रेशर 20 या उससे कम रहता है. अब मान लीजिए किसी भी कारणवश अगर आपकी आंख की जो ड्रेनिंग ट्यूब्स हैं वो ब्लॉक हो जाए तो आंखों का पानी बाहर ड्रेन नहीं हो पाता जिसकी वजह से आंखों का प्रेशर बढ़ने लगता है. और जब आंखों का प्रेशर बढ़ने लगता है और आंखों की नर्व को डैमेज करता है उसको हम ग्लॉकोमा या काला मोतिया कहते हैं. इसके शुरू के स्टेजेस में देर आर नो सिम्टम्स फॉर ग्लॉकोमा, सो पेशेंट्स को पता नहीं चलता कि उनको कोई भी बीमारी है एंड दैट इज वाई इट गोज अनडिटेक्टेड. सो हाउ डू वी पिकअप ग्लॉकोमा, जब पेशेंट्स कम टू अस फॉर एन आई चेकअप वी एग्जामिन देयर आई प्रेशर्स, वी एग्जामिन देयर नर्व्स एंड देन वी रियलाइज दैट पेशेंट हैज ग्लॉकोमा. नाउ द ट्रीटमेंट ऑफ ग्लॉकोमा इज नॉट वेरी डिफिकल्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट विद द आई ड्रॉप्स. And if the pressures are not controlled with eye drops, we do some kind of laser procedures. And if at the end, if the laser procedure or the eye drops are not functioning properly, then we go ahead and do a surgery. In surgery, what we do? We make a bypass. तो हम एक छोटा सा bypass बना देते हैं जिससे आँख का fluid उस रास्ते से निकल के बाहर जाने लगता है. अब glaucoma की testing के लिए हम कुछ चीजें करते हैं and there are special tests. एंड आई थिंक जो भी ग्लॉकोमा के पेशेंट्स होंगे उन्हें आई एम श्योर काफी अच्छे से पता होगा. सबसे पहली चीज हम करते हैं आंखों का प्रेशर चेक करते हैं, दूसरी चीज हम करते हैं आंखों की नर्व्स एग्जामिन करते हैं, तीसरा करते हैं एक फील्ड टेस्टिंग होती है जिसको पेरीमेट्री बोलते हैं, वी डू पेरीमेट्री एंड वी डू स्पेशल स्कैन्स लाइक
OCT and optic nerve head scanning. Now, once we diagnose you as glaucoma patient, now we always tell all our patients that glaucoma is a life-term disease. है. So, you have to be very careful. If the doctor has told you that you have glaucoma, है, so you have to do regular follow-ups, कराने है, regular nerves check, कराने है, regular eye pressure check, and दवाई बिल्कुल regular डालनी है. So once you are prescribed a medication, please remember that अपने calendar में mark कर लीजिए. Glaucoma की दवाई डालना कभी भी नहीं भूलें. भले आप खाना पीना भूल जाएं, but medicine is a must because medicine is there to prevent you from blindness. दो तीन चीजें glaucoma के बारे में कि अगर आप diagnosed case of glaucoma है, so avoid drinking lot of water, empty stomach. हमारे इंडिया में बड़ा prevalent है कि भाई सुबह उठे दो तीन ग्लास पानी पी लिया. सो जस्ट टेक केयर कि आप एक ग्लास पिए आफ्टर 10-15 मिनट्स ड्रिंक अनदर ग्लास. इकट्ठे सक्सेशन में बहुत ज्यादा पानी नहीं पीना है. सेकेंडली, अगर आप योगा करते हैं तो एक्सरसाइजेज हैं जैसे कपाल भारती या जो भी ब्रेथ होल्डिंग एक्सरसाइजेज हैं वो अवॉइड करें बिकॉज उनसे आंखों का प्रेशर बढ़ सकता है. और तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि किसी भी फॉर्म में स्टेरॉइड्स नहीं लेने हैं. कई बार आप जिम जाते हैं, कई बार आप स्किन क्रीम्स यूज कर रहे होते हैं, कई बार आप कोई और मेडिसिन खा रहे होते हैं जिसमें स्टेरॉइड्स होते हैं, तो यू हैव टू टेक केयर कि स्टेरॉइड्स आपको अवॉइड करने हैं. कुछ और इम्पॉर्टेंट चीजें ग्लॉकोमा के बारे में कि जब भी आप ड्रॉप्स यूज करते हैं वो ड्रॉप्स नोज से ट्रिकल डाउन करके गले में आती हैं और वहां से वो साइड इफेक्ट्स प्रोड्यूस करती हैं. सो कोई भी ग्लॉकोमा की ड्रॉप आप डालें तो इम्पॉर्टेंट है कि अपनी इंडेक्स फिंगर को लेके यहां पर आंख का जो कॉर्नर है उस पर प्रेस करके रखें, आंख बंद कर लें और 2 मिनट्स यहां प्रेस करके रखना है कि जो ड्रॉप है वो नाक में ट्रिकल डाउन ना करे और साइड इफेक्ट्स नहीं प्रोड्यूस करे. और अगर आपको एक से ज्यादा ड्रॉप्स एडवाइस करी गई हैं तो स्पेस इट कि एक ड्रॉप डाली उसके 2 मिनट बाद आप दूसरी ड्रॉप डालें. सो इस तरीके से आप अपने आपको ब्लाइंड होने से बचा सकते हैं. इसके अलावा ग्लॉकोमा आपकी फैमिली में भी रन करता है. इट्स अ फैमिलियल और अ हेरिडिटरी डिजीज. सो इफ एनी वन ऑफ योर फैमिली मेंबर हैज ग्लॉकोमा, अपने बाकी सारे ब्रदर सिस्टर सबको आप जरूर स्क्रीन करवाएं. आपके फैमिली मेंबर्स को बोलें कि वो एनुअली चेकअप करवाते रहें कि उनको ग्लॉकोमा तो नहीं है. सो इस ढंग से आई थिंक आई वुड सजेस्ट दैट इफ यू आर अबव 40, इफ यू हैव अ फैमिली हिस्ट्री ऑफ ग्लॉकोमा, गेट वन स्क्रीनिंग डन फॉर ग्लॉकोमा एटलीस्ट, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. A little bit of mention of another thing which is I think very common is refractive error. Almost 20% of the blindness in our country is caused by refractive error. Now refractive error means कि आपको चश्मे की जरूरत है, आपको बिना चश्मे के दिखाई नहीं देता. So refractive error बच्चों में बहुत ज्यादा prevalent है और parents बड़े anxious हो जाते हैं कि भाई what do we do? So it can easily be corrected with glasses. And once you grow old, you are above 18 years of age, जब आप glasses नहीं पहनना चाहते हो, so we have a very good surgical option, which is laser assisted, that is called LASIK. Now LASIK is a surgery which can help you to get rid of your spectacles or contact lenses. So अगर आपको बहुत साफ नहीं दिखाई दे रहा है, refractive error है, you don't want to wear glasses, you don't want to wear lenses, आप LASIK करवा सकते हो. LASIK is a simple surgery जिसमें हम एक eye में we make a small flap with the help of laser and we reshape the cornea, the transparent part of eye with laser. So इससे आपके चश्मे का number correct हो जाता है. It's a simple 10 minutes procedure and gives wonderful visual outcomes कि आपका next day से vision 6x6 होता है और आपको बहुत ही clear दिखाई देने लगता है. So और इसके अलावा एक छोटी सी बीमारी इसको मैं मेंशन करना चाहूंगी, विच इज एक आज बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जिनको सिस्टमिक इलनेसेस होती हैं, डायबिटीज होती है, हाइपरटेंशन होता है. सो इन सारे कंडीशंस में आपकी आंख की रेटिना अफेक्ट हो सकती है. सो प्लीज डोंट फॉरगेट अबाउट द प्रेशियस आईज. जस्ट टेक केयर कि भाई अगर आप डायबिटिक हैं, अगर आप हाइपरटेंसिव हैं, तो अपनी आई चेकअप करवाते रहें, एनुअली अपनी रेटिना स्क्रीन करवाते रहें. अगर इसमें कोई आपके ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट रेटिना की प्रॉब्लम डिटेक्ट करते हैं तो उसके लिए वो आपको ट्रीटमेंट एडवाइस करेंगे सो दैट यू कैन बी प्रिवेंटेड फ्रॉम द विजुअल लॉस. सो एट द एंड आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू अगेन डियर फ्रेंड्स कि आई एक बहुत ही प्रेशियस गिफ्ट है जिसकी जिम्मेवारी हम खुद पर है.
तो उसको आप रेगुलरली चेकअप कराएं, उनका ध्यान रखें, और एट द एंड यू कैन यू नो प्लेज योर आईज, डोनेट योर आईज एंड मेक समबडी एल्स इज लाइफ ब्यूटिफुल. थैंक यू.